Hey guys, welcome back to my channel BS Engineering for All. So today in this video we are going to discuss different parts of IV cannula. So IV cannula के हम different parts discuss करेंगे कि इसके किस part को क्या क्या नाम जो है वो दिया गया है. सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आई वी कैनुलाज होते हैं, डिफरेंट गेज के होते हैं एंड इसे जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू देयर कलर्स. हमारे पास येलो कलर का आई वी कैनुला है एंड ये येलो कलर जो है ये इंडिकेट करता है सो लेट्स हम इसे खोलते हैं और इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर कैनुला. सो ये जो है हमारे पास कैनुला होता है. सो फर्स्ट इसका पार्ट आता है कैथेटर. सो ये जो ऊपर इसका कैप है, ये जो नीडल को जिसने कवर किया है, इसे हम कहते हैं कैथेटर. इसे हम कहते हैं कैथेटर. सो ये जो है कैथेटर हो गया एंड देन इसके बाद आता है ये नीडल होता है. कैथेटर के बाद है नीडल. सो दिस इज द नीडल. ओके, ये नीडल हो गई. सो आईवी कैनुला जो है बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है कि जब कंटिन्यूस आईवी मेडिकेशन कोई दी जा रही होती है कि हमें बार बार हम पेशेंट को प्रिक नहीं कर सकते हैं बल्कि हमने कंटिन्यूस देना होता है, तो उसमें हम फिर हम आईवी कैनुला पास करते हैं ताकि कंटिन्यूस जो है उसे मेडिकेशन दी जा सके. सो फर्स्ट कैथेटर हो गया, देन नीडल हो गया एंड नीडल जो है जब हम नीडल को निकाल देते हैं तो इसके पीछे ये जो है प्लास्टिक पार्ट बच जाता है. ये देखिए, ये स्मूथ जो है प्लास्टिक का वो पार्ट होता है, इसे भी हम कैथेटर कहते हैं. ये कैथेटर होता है, इसके अंदर जो है ये नीडल यहाँ पे इंसर्ट होती है ऐसे. सो ये कैथेटर हो गया एंड नीडल हो गई. इसके बाद आते हैं कैथेटर विंग्स होते हैं, इसे हम कहते हैं कैथेटर विंग्स. ये कैथेटर विंग्स होते हैं, ये जो है ग्रिपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जब हम आईवी कैनुला पास करते हैं. सो ये नीडल जो है ये वेन के अंदर जाएगी, यहाँ से हम ग्रिप करते हैं. सो इस तरह से हम आगे की तरफ जो है वेन में जाएंगे. सो ये ग्रिपिंग के लिए कैथेटर विंग्स हो गए. बाद आता है इंजेक्शन पोर्ट. सो दिस इज़ द इंजेक्शन पोर्ट, यानी कि हमें कोई भी मेडिकेशन जब देनी होगी तो हम इस इंजेक्शन पोर्ट को यूज़ करके मेडिकेशन देंगे. यानी कि यहाँ से अगर कोई ड्रिप आईवी ड्रिप अटैच है एंड वो मेडिकेशन जा रही है और हमें अलग से कोई और मेडिकेशन देनी है तो हम इस इंजेक्शन पोर्ट के थ्रू दे सकते हैं. ये इंजेक्शन पोर्ट जो है ये इस तरह से खुलेगा. सो ये इंजेक्शन पोर्ट है एंड ये इसका जो है कैप है. सो यहाँ पे इंजेक्शन जो है हम थ्रू मेडिकेशन जो है वो दे सकते हैं. सो ये जो पार्ट है इसे नीडल ग्रिप कहा जाता है. नीडल ग्रिप किस वजह से कहा जाता है? बिकॉज ये नीडल को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. ये देखिए, यहाँ से ये नीडल जो है ये बाहर आ रहा है. सो ये नीडल इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से हम ग्रिप कर सकते हैं नीडल को. सो यहाँ से ये इसलिए हम नीडल ग्रिप कहते हैं. देन नीडल ग्रिप के बाद आता है हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं फ्लैशबैक चैम्बर. फ्लैशबैक चैम्बर इसे किस वजह से कहा जाता है कि जब हम ये आईवी कैनुला इस तरह से हम इंसर्ट, यानी कि अगर हमने ये इस तरह से इंसर्ट करना है, सो जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी जो नीडल है वो सही करेक्शन में वेन के अंदर है? तो इस फ्लैशबैक चैम्बर में हमें ब्लड नज़र आ जाएगा. सो जब हम वेन के अंदर करेंगे यहाँ पे ब्लड नज़र आएगा जैसे ही, तो हमें पता चल जाएगा ये वेन है और हमने नीडल को उसी डायरेक्शन में अंदर लेके जाना है. सो फ्लैशबैक चैम्बर इज़ यूज होता है टू आइडेंटिफाई करे कि हमारी नीडल करेक्ट प्लेसमेंट में वेन में है. फ्लैशबैक चैम्बर के बाद हमारे पास आता है ये होता है स्टॉपर. इसे हम कहते हैं स्टॉपर या फिर हम इसे लूअर लॉक भी कह सकते हैं. स्टॉपर को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं एंड देन इस स्टॉपर को जो है हम इस इंजेक्शन पोर्ट पर भी लगा सकते हैं. सो ये स्टॉपर हटाने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमने ये आईवी कैनुला जो है इंसर्ट कर लिया है, हमने इंसर्ट कर लिया देन इसके बाद हम ये नीडल जो है ये हटा देते हैं. यहाँ से नीडल हम हटा देते हैं एंड सो ये जो स्टॉपर है, जब हम इसे कैनुला पास कर देंगे, ये वेन के अंदर होगा इसका कैथेटर. सो हमने ये स्टॉपर जो है ये इस तरह से यहाँ पर लगा देना है. तो ये स्टॉपर यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हमारा जो है आईवी कैनुला इंसर्ट हो चुका होगा और उसके बाद फिर हमने जैसे से सिक्योर करना होगा. सो ये स्टॉपर जो है इसे बंद करने के काम आता है.
देन इसके बाद जो है हमारे पास दो और इसके पार्ट्स होते हैं, उसके पहले वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसे हम जो है बुशिंग भी कहते हैं। एंड ये जो पीछे वाला पार्ट आ जाता है, यानी कि इसके ये विंग्स के पीछे वाला, सो इसे हम जो है वेल्व भी कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हो गए आईवी कैनुला के। सो आई वी आई होप सो आप लोग को कैनुला का जो एक एक पार्ट है वो समझ आ गया होगा, इसके यूजेस समझ आ गए होंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।